बेहाल, परेशान, बर्बाद और बेबस, ये सारे शब्द भी अब पाकिस्तान के मौजूदा हालातों को देखते हुए काफी छोटे लग रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए जहां पाकिस्तान के लोग सिर्फ अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। न सिर पर छत है, न ही बैठने और लेटने के लिए सूखी जमीन, हर तरफ है तो बस पानी ही पानी। बाकी जरूरतों की तो बात छोड़िए, एक वक्त की सूखी रोटी भी खाने को नसीब हो जाए तो गनीमत है। पाकिस्तान में बाढ़ ने इस बार खतरनाक तबाही मचाई है। आलम यह है कि पूरे देश का एक तिहाई हिस्सा पानी में डूब चुका है। बाढ़ से देश भर में मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर, गांव, शहर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। धीरे धीरे नदियों के पानी की रफ्तार तो कम हुई है, लेकिन मुसीबतों का अंबार लग गया है। अब बाढ़ के पानी से देश में बीमारी फैलने का खतरा है। वहीं खाने की किल्लत भी शुरू हो गई है, जो आगे और भी बड़ी समस्या बनकर उभरने वाली है, क्योंकि पानी ने लाखों एकड़ फसलों को बर्बाद कर दिया है। बड़ी संख्या में जानवर भी बाढ़ का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। वहीं टमाटर और प्याज जैसी बुनियादी चीजों तक की कीमतें आसमान छू रही हैं। सड़कें बह गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई हैं। लोगों को इलाज मिलना भी एक बड़ी बात है। बाढ़ से ज्यादातर स्कूलों की इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। जहां बिल्डिंग सही बची है, वहां इतना पानी भरा है कि क्लास लग नहीं सकती। इस समस्या से करीब 20 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश ने यहां 30 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बारिश से सिर्फ जान की क्षति ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान को इससे अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ है। मंदी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब कंगाली की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। पहले से ही कोमा में जा चुकी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के दम तोड़ने के आसार साफ नजर आने लगे हैं। अब बाढ़ के बाद पैदा हुए हालात उसे रेंगने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि उसका विकास मॉडल कारगर नहीं है। अपनी इस बर्बादी से वो सबक सीखने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस मुल्क के लोगों को आगे आने वाले समय में फिर से ऐसी त्रासदी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।